बिहार में मॉनसून लगातार बारिश करा रहा है। इस हफ्ते मॉनसून की ट्रफ लाइन बिहार से बाहर शिफ्ट होने के कारण बारिश का सिलसिला थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहने वाली है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 से 5 सितंबर के बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारी बारी से अच्छी बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तरी भाग में 3 सितंबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। खासकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 4 सितंबर को समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण और सिवान में भारी बारिश की उम्मीद है। 5 सितंबर को पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज में भी ऐसा होने की संभावना है। 3 सितंबर को ही पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लकीसराय, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया में मेघ गर्जन और बिजली चमकने की आशंका है। 3 सितंबर को मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भाग के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गौरतलब हो कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी संजय कुमार ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में मॉनसून कमजोर है, लेकिन 3 सितंबर से एक बार फिर मॉनसून की सक्रियता बढ़ सकती है। मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के कारण उत्तर बिहार के अलावा मध्य और पूर्वी बिहार में भी अच्छी बारिश हो सकती है। मंगलवार को सर्वाधिक 70 मिलीमीटर बारिश फारबिसगंज में हुई। वर्तमान में मॉनसून की ट्रफ लाइन बीकानेर, कोटा, सागर, गोपालपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। राज्य में सर्वाधिक गर्म वातावरण बक्सर में रिकॉर्ड किया गया। वहां का तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तो पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि भले ही इस वक्त बिहार में मॉनसून की सक्रियता कम हो गई हो, लेकिन एक बार फिर से बिहार में मॉनसून सक्रिय हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते मॉनसून की ट्रफ लाइन बिहार से बाहर शिफ्ट होने के कारण बारिश का सिलसिला कम जरूर हुआ है, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि 3 से 5 सितंबर के बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 3 सितंबर को बोला गया है कि पटना में भारी बारिश के आसार हैं। साथ ही इसके आसपास के जिले यानी कि भोजपुर, बक्सर और नालंदा में भी मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने के आशंका जताई गई है।